हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एकेडमी आने की पूरी तैयारी हो चुकी होगी और जो मैंने पिछले वीडियोस में बताया है क्या क्या सामान लेके आना है, कैसे आना है, तो वो सब कुछ आप लोग कर चुके होंगे। फ्रेंड्स, कोशिश कीजिएगा कि जिस दिन आप लोगों को यहाँ पर बुलाया जाए आप उसी दिन आ जाएँ, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा हो जाता है हर एक चीज़ में। बहुत लोग थोड़ा डिले कर देते हैं ये सोच के कि एक दिन और बिता लेते हैं घर पर। फ्रेंड्स, इतने दिन तो रह लिए, अब एक दिन से और कुछ नहीं होना है, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जिस दिन आपको आना हो उस दिन आप आ जाएं। तो कमेंट करके पूछा गया कि फ़र्स्ट डे का प्रोसेस क्या है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि फ़र्स्ट डे आप जैसे ही एकेडमी में आते हैं आपका मेन गेट पे आपका एंट्री लिया जाता है, आपको एक स्लिप प्रोवाइड किया जाता है आपके डॉक्यूमेंट्स को देख करके, ठीक है। तो मेन गेट पे आपका एंट्री होता है। अब चूँकि ये कोरोना का टाइम है तो हो सकता है आपको ये भी बोला जाए कि आप अपना कोरोना जो रिपोर्ट है वो आप अपना करवा के आएँ, कोरोना चेकअप करवा के आएँ, तो आपको वो भी टेस्ट RT-PCR टेस्ट करवा के उसका रिपोर्ट लाना पड़ सकता है। वो जैसा आदेश निकलेगा आप लोगों को पता चल जाएगा, तो उस हिसाब से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप कोरोना टेस्ट अगर आपने रिपोर्ट लेकर के आने को कहा जाता है तो आप प्लीज़ उसको 2 या 3 दिन पहले ही आप हॉस्पिटल में जाके करवा लें, क्योंकि उसकी रिपोर्ट 2-3 दिन आने में टाइम लगता है। ये आप सबको पता होगा, अगर जिनको नहीं पता है तो उनको मैं बता दूँ। उसके बाद जैसे ही आपका गेट के अंदर एंट्री होता है आपके जो बैग एंड बैगेज हैं वो अपने पेरेंट्स के पास आप छोड़ दें, वहीं गेट पे ही छोड़ दें, आप गेट के अंदर आएँ, क्योंकि आते के साथ आपको हॉस्टल अलॉट नहीं किया जाता है। यहाँ पे एडमिन बिल्डिंग है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक तिरंगा झंडा लहरा रहा है और एक गुंबद सा बना हुआ है, वही यहाँ का एडमिन बिल्डिंग है। तो यहाँ का जितना भी जो ऑफिशियल काम होता है वही एडमिन बिल्डिंग में यानी कि प्रशासनिक भवन में होता है, जो गेट से एंट्री करते ही बिल्कुल सामने सामने पड़ता है। तो एडमिन बिल्डिंग में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, आपका जो कॉल लेटर, जो ओरिजिनल कॉल लेटर है वो आपका जमा हो जाएगा, जो आपको आपके DIG रेंज में प्रोवाइड किया गया होगा ज्वाइनिंग के टाइम पे, ज्वाइनिंग के लिए, तो आप वो लेते हैं। उसके बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने जमा करे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो सबका जेरोक्स लेते आएंगे, वो सबका एक एक कॉपी यहाँ पे सबमिट होगा सबसे पहले एडमिन ब्लॉक में। उसके बाद फिर आपको आपका हॉस्टल अलॉट मिल हो जाएगा, वहीं से आपको आपका मेस का चार्ज वहाँ पर जमा करना होगा। मैस का चार्ज वही अप्रॉक्सीमेटली आप 6,000 मान सकते हैं, हम लोगों का भी लगभग उतना ही लगता है, तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको वहाँ पे रूम अलॉट कर दिया जाएगा। जैसे ही आपका हॉस्टल अलॉट होगा आप मेन गेट पे वापस जा करके आप अपना सामान लेंगे, आपको हॉस्टल नंबर बता दिया जाएगा, आपको रूम नंबर बता दिया जाएगा, आप उस हॉस्टल में उस रूम में जा करके शिफ्ट हो जाएंगे। उस दिन का यही काम है, इसके अलावा उस दिन का और कोई काम नहीं है। हालाँकि बहुत नया नया सा लगेगा, समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर क्या है, एक बार रह लो तो आदत सी हो जाती है, शुरू में लगता है कि पता नहीं कहाँ आ गए हैं, कैसा सा लग रहा है, तो बिल्कुल ही नया होगा। और हर एक चीज़ अरेंज करना होगा आप लोगों को यहाँ पे, और यहाँ पे कोई सर्वेंट नहीं है, आप खुद ही अपना सारा काम आपको करना होगा। हाँ, जो साफ़ सफाई का काम है जैसे कि वॉशरूम्स वगैरह की सफ़ाई करना है या गैलरीज़ की सफ़ाई करना है, तो वो सब के लिए बकायदा पूरे यहाँ पे लोग हैं जो NSS के टीम हैं वो लोग करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो आपका अरेंजमेंट है जो आपको करना है, जैसे कि आपको अपने लिए सामान खरीद के लाना है कैंटीन से, बकेट्स वगैरह अरेंज करने हैं, झाड़ू वगैरह लेकर के आना है, या जो कुछ भी है, तो वो सब आप फर्स्ट डे यहाँ पर आ करके कर सकते हैं। सेकेंड डे तक भी आपको टाइम मिलेगा, 1-2 दिन रिलैक्सेशन का टाइम आपको मिल जाता है, फिर आपके उसके बाद आप लोगों का जैसे हमारा हुआ था नॉर्मल ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे इनबिल्ट हो जाएंगे उसमें कि कैसे क्या अरेंज करना है, क्या रहना है, क्या करना है, तो उसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने पूछा था कि यहाँ का डेली रूटीन क्या है, सुबह से लेकर के शाम तक होता क्या है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी ही मैं उस पर भी एक वीडियो आप लोगों को बना करके पोस्ट कर दूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि यहाँ पर क्या होता है। और फ्रेंड्स, बिल्कुल भी डरने जैसी कोई बात नहीं है कि बहुत हैक्टिक होता है, अगर इतना ही हैक्टिक होता या कुछ ऐसा होता तो आज तक भी तो लोग किए, हम लोग भी तो कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बिल्कुल भी नहीं, खुश रहिए, कोई बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, नॉर्मल ट्रेनिंग करवाते हैं और बस आपको स्ट्रांग बनाते हैं, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना तो मुझे लगता है कि मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है फर्स्ट डे का। फर्स्ट डे में इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है, जैसे ही हॉस्टल अलॉट हो गया आप आइए, अपना बिस्तर लगाइए, बेड लगाइए, आराम से सोइए, उसके बाद सोचिए फिर क्या करना है आगे से। इसके अलावा भी आपके पास अगर कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दे दूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, टाटा, बाय बाय।